एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग का सीन ये है, अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी मदीना की तरफ रवानगी है। कल हम लोग मदीना रवाना हो रहे हैं। आज जुम्मा था, खैर से मैं सुबह व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकी बिकॉज आपको पता है जो लोग यहाँ से होके जा चुके हैं उनको पता होगा कि हरम शरीफ में मक्का में जुम्मा का दिन बहुत हेक्टिक डे होता है। मतलब आपने उठना, नमाज के लिए जाना, आपको जगह मिलना ना मिलना, और 7 बजे हम लोग फजर पढ़ के आए, 10 बजे उठ के तैयार हुए, 11 बजे जुम्मे के लिए चले गए, और उसके बाद हम आए, हमने नमाज पढ़ी और हम सो गए। तो बस इसी चक्कर में सारा कुछ डिस्टर्ब रह गया। तो अब ये देख लें जी, हाजी साहब तैयार हो गए हैं। अभी उसने अपना एहराम इस तरह से नहीं बांधा, अभी हम मस्जिद आयशा जा रहे हैं, वहां जाके हमने नवाफिल अदा करने हैं और हमने नियत करनी है। आज खैर से हम अपना तीसरा उमरा करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमारी रवानगी है मदीना शरीफ की तरफ। तो हम कह रहे हैं कि उससे जाने से पहले आज हम अपना उमरा अदा कर लें, फिर जिस दिन हमारी मदीना शरीफ से वापसी होगी उस दिन तो आपको, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कि एहराम बांध के ही वापस आते हैं और आते साथ उमरा किया जाता है। तो अभी फिलहाल हम मस्जिद आयशा जा रहे हैं। इस वक्त रात का टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, और अब इस टाइम पे ना थोड़ा सा रश की जो कैफियत होती है वो थोड़ी कम होती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम लोग फजर के वक्त तक अपना उमरा मुकम्मल कर लेंगे और फजर के बाद फौरन से हमें गाड़ी पिक कर लेंगे। खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे गाड़ी पे। खाना खाने के फौरन बाद हम आ जाएंगे होटल, और होटल में हमारा सामान ऑलरेडी ऑलमोस्ट पैक है, और फिर हमने सीधा सामान लेके नीचे उतरना है और फिर मदीना शरीफ की तरफ रवानगी होगी, और फिर हमारा रेस्ट जो है वो सुबह मदीना शरीफ जाके ही होगा। तो अभी हमें बहुत लेट हो रहा है, हम उमरे के छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे, क्योंकि पहले 2 उमरे हमने अपने इस तरीके से किया कि हमने बिल्कुल भी मोबाइल बाहर नहीं निकाला। आज हम आप लोगों को थोड़ी थोड़ी ज्यारत साथ साथ करवाएंगे और चीजें दिखाएंगे जो जो हम लोग करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला निकलते हैं। रूम का कार्ड बाहर निकाले ना, तुमने क्यों नहीं निकाला रूम का कार्ड बाहर? अब भाई मैंने यहाँ कार्ड बना के दे रहे हैं, ये बड़े अच्छे भाई जाना, वरना यहाँ जो दूसरी आंटी बैठी होती है वो बिल्कुल इस तरह की नहीं है, वो हमें कार्ड ही नहीं बना के देती है। ऐसी है ब्रदर, वी आर व्लॉगर, ब्रदर व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगर्स, या ब्रदर व्लॉगर्स, फेमस होटल प्रमोशन, फेमस, वी आर फेमस। सलाम अल्लाह, एक बार वो सामने भी दोस्त है, वो देखो 6:31 हम जा रहे हैं दूसरे वाले के पास, हम आपके से भी मिलाते हैं। सलाम अलैकुम ब्रदर, ब्रदर ओ कैसा है तुम, कैसा है, हाय टू माय कैमरा, हाय 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 हाय, हमारा दोस्त है, दो पास सीख लिया, कई पहा लो, चलाओ ऊपर चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं, और ये जिक्रिया यहाँ पे वुजू करके आ गया, वुजू हो गया। ये है मस्जिद आयशा, यहाँ से आप अपनी उमरे की नियत करते पहले हैं, उम्रे के बाद जो आपने बाकी पहले उम्रे के बाद जो आपने बाकी, एक मस्जिद आयशा भी है, एक मस्जिद जुराना भी है, हम जब ना वो मस्जिद जुराना से करेंगे नियत, उसकी वहाँ से करें हम, अब इंशाल्लाह ताला हमारी नियत तो यही है कि हम अपना अलविदाई उम्रा जो है वो मस्जिद जुराना से करेंगे। ये मस्जिद आयशा है, यहाँ से आप अपनी उम्रे की नियत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, एहराम बांधते हैं, और यहाँ से फिर आप अपने एहराम की पाबंदियों में दाखिल हो जाते हैं, और फिर आप हरम शरीफ जाके अपना उम्रा अदा कर देते हैं। जूती उतार लें, नियत करके तो फिर हम नियत, अब हम अपने वाफिल वगैरह अदा करते हैं नियत करके, फिर उम्रे की नियत कर ली है यहाँ पे। अभी जूतियाँ वगैरह तुमने कर ली उम्रे की नियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम किसके नाम का उम्रा कर रही हो? नहीं कर रही हूँ, किसके नाम का करना है? मैं भाई अपने नाना अबू के नाम का उम्रा कर रहा हूँ, चौधरी अब्दुल रशीद उम्रा कर रहा हूँ, चौधरी अब्दुल रशीद अपने नाना अबू साहब के नाम का उम्रा कर रहा हूँ, उनके मम्मा ने फैसले में कहा था कि आपने उनके नाम का उम्रा करना ही करना है, पता है नाना के नाम का उम्रा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह की नियत हो गई है, और अब हम हरम की तरफ रवाना होंगे, और अभी इस टाइम पे 12 बज गया, और 6 बजे की हमारी गाड़ी है मदीना शरीफ की। 6 बजे हमने गाड़ी बुक की, हमने मदीना शरीफ जाना है, और अभी हमने उमरा करना है, उसके बाद हमने खाना खाना है, फिर हमने होटल जाके कपड़े चेंज करने हैं,
कंफर्टेबल जोन में आना है, फिर हमने वहाँ से मदीना शरीफ जाना है, 1.5 घंटे का मदीना शरीफ का सफर है। उसके बाद मदीना शरीफ पहुँचने के बाद फिर जाके हमने सुकून से थोड़ा रेस्ट वगैरह करके उसके बाद पहले जाके सलाम, इधर आओ ना, पहले जाके हम सलाम करेंगे उधर, फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। फिर जो हमारा रोज़ा रसूल का परमिट है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का आ गया, सेम टाइमिंग नहीं मिली हमें। इसकी जो टाइमिंग है इसकी है 10 से 10:30 बजे की है, इसकी 7:30 से 8 बजे की है, लेकिन वो हमें मिली है 20 तारीख की। हमने थोड़ा खुद भी कोशिश की थी हमें 20 तारीख की मिले, क्योंकि हम 10:17 बजे जाएंगे, आज उमरा भी किया हुआ है, कल परसों हम वहाँ भी गए थे, घर हेरा भी गए थे, यहाँ पे शहर की तबीयत बहुत खराब है, अपने घर की हाजिरी नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। हमने अपने एक एक व्यूअर के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला इन सबको भी जल्दी जल्दी यहाँ पे बुलाए, और जिन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हरम शरीफ पहुँच चुके हैं, और इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग सो रहे हैं, कुछ लोग यहीं पे सो जाते हैं, और ये बाकी हरम शरीफ में, हरम शरीफ में तो हर वक्त ही रौनक होती है, बंदा पाकिस्तान जाके ना कोई चीज़ याद करे ना करे ये रौन के ज़रूर याद करता है। जब यहाँ पे दिल लग जाता है, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता, जब जैसे जैसे दिन करीब आते हैं वैसे वैसे दिल बोझल होने लग जाता है कि बस अल्लाह हमें दोबारा यहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए, तो वो जिक्र आगे जा रहा है। तो खैर से हमारा तवाफ़ शुरू होगा गेट नंबर 79 से, जितने भी हज होते हैं हाजी जिन्होंने मताफ़ की तरफ जाना होता है उनका तवाफ़ शुरू होता है गेट नंबर 79 से, क्योंकि वो सीधा हरम पाक के सहन में आपको ले जाता है। तो अब हम गेट नंबर 79 की तरफ जाएंगे और वहाँ से हैज से अपना तवाफ़ शुरू करेंगे। गेट नंबर 79 की एंट्रेंस, और यहाँ से ये ज़िक्रिया रहा, यहाँ से हम लोग एंटर हो जाते हैं तवाफ़ की तरफ। वो सामने आप लोगों को खाना का बना चला रहा हो, तो यहाँ से जितने भी हाजी हैं वो तवाफ के लिए आगे आगे रवाना हो जाते हैं, और फिर यहीं से आगे जाके फिर उनका तवाफ शुरू हो जाता है। ये रहा गेट नंबर 79। यहाँ से फर्दर आप लोग हरम शरीफ के सहन में एंटर होते हैं, और यहाँ से सब अपनी नजरें झुका देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे फिर आपको काबा शरीफ नजर आता। यहाँ से फिर फर्दर यहाँ औरतें बैठ के अपना सारा पढ़ रही होती हैं, औरतों के लिए अलग से एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ से फिर आप अपनी नज़रें छुपा देते हैं, तो जैसे ही आप काबा शरीफ को देखते हैं तो जो आपकी पहली दुआ होती है वो कबूल होती है। जिक्रिया रुको, मैं पानी पी लूँ, तो फिर हम अपना तवाफ जो है वो शुरू करते हैं। ये यहाँ जमजम लगा हुआ है, यहाँ से मैं पानी पी लूँ। तो आप लोगों को ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, वो हिजरा अस्वद की लाइन है, वहाँ से आप इस्तेलाम करते हैं और फिर ऐसा आपका तवाफ जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये रही वो ग्रीन लाइन, उन्होंने निशानदेही के लिए लगाई हुई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इस वक्त रश भी तहज्जुद का वक्त होने वाला है, तो फजर के वक्त ही रश होगा। سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اللهم لبيك لبيك لا شريك لك انت النعمة لك والملك لا اله بسم الله الرحمن الرحيم फाइनली अब हमने दुकान का तवाफ के लिए वो भी पढ़ ली है। चलो भाई जमजम पी लें। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज जल्दी हो गया ना तवाफ,
पहले हमने जमजम पी ली ना, पानी है सही। नहीं काबा की तरफ मुंह करके पीना पड़ेगा, अंदर भी काबा की तरफ मुंह करके पी लेंगे, उधर से पी लेते हैं। हां सर काबा की तरफ मुंह करके पीते हैं, वो उधर लगा है जमजम, जमजम पी लेते हैं। चला गया अब यहां से जमजम लेने, मेरे लिए भी ले आएगा और अपने लिए भी ले आएगा, दो ग्लास में ले आना। ये काबा शरीफ है सामने, अब यहाँ से जमजम पी के तो खैर से हम अपने सही की तरफ रवाना हो जाएंगे, सफा मरवा की तरफ। वो वहीं से है सफा एंड मरवा, वहाँ पर नजर आ रहा है, वहाँ से अब आप आगे सही की तरफ रवाना हो जाएंगे। जिक्रिया ले आए बस जमजम, काबा शरीफ की तरफ मुँह करके अपने, उसके बाद अब हम जमजम पी लें, फिर उसके बाद हम उसकी तरफ रवाना होते हैं। आ जाओ यार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जमजम और सामने काबा, इससे खूबसूरत मंजर पेश करें। जमजम पीना चलो आ जाओ, अब हम सफा मरवा की जानिब रवाना होते हैं। बिस्मिल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह आगे निकलो ना, फिर दुनिया हसन दो अजाब नार अभी चलते हैं, सबसे पहले किसी नाई शाही को ढूंढते हैं बाहर जाके, उससे जाके हम कराते हैं अपने बालों की। यहाँ पे सारी औरतें खड़ी होती हैं, आप किससे भी कटवा लो, वैसे आप अपने भाई से भी कटवा सकते हो, लेकिन वहाँ औरत काट रही थी तो मैंने उसको निकाल के दिया कि ये आप मेरे भी काटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना तीसरा उम्रा कर लिया और अब हम कल मदीना शरीफ रवाना हैं। अभी चलते हैं नाई के पास, नाई से जाके बजट अपने बालों की ट्रिमिंग श्रिमिंग कराते हैं, और ट्रिमिंग श्रिमिंग कराने के बाद फिर मेरा उम्रा कम्प्लीट होगा, फिर हम जाएंगे रोटी शोटी पारने। और मैं अहराम की पाबंदियों से बाहर आ गई हूँ, अभी जिक्रिया अहराम में ही है, मैं अहराम में ही हूँ। अभी चलते हैं किसी नाई को ढूंढते हैं और फिर आपको मिलते हैं। चले चलो चलने का पैसे होते हैं, दुआ देने के कौन से पैसे होते हैं, हम खुद मुसाफिर हैं। किधर है क्यों भैया? हाँ भाई क्या कर रहे हैं? पास रियल, पास रियल, पास कितने का है? पास रियल इधर मिलेगा, असल में ना इसको समझ नहीं आती कौन सा अरबी है कौन सा बंगाली है, बीच में कोई इसको बंगाली भी मिल जाता जिसको उर्दू आती होती है, इसको उर्दू आती थी तो मैं पता नहीं था अच्छा जब ये इस तरह बात करे ना इनसे पंजाबी में बात करो, इनको पंजाबी नहीं समझ आती, पंजाबी सही रहती है फिर इनके लिए। ये देखें भाई क्लॉक टावर, बस यहाँ पे लेना हमने नेक्स्ट वापसी पे आके ना यहाँ पे रूम लेना है, बस यहीं पे रहना है। चलो जिक्रिया चला गया अपने बालों का वो कसर करवाने और मैं यहाँ पे आ गई हूँ मॉल में खाना ऑर्डर करने। यहाँ से मैं लेती हूँ पाकिस्तानी मटन बिरयानी, यहाँ से बहुत मज़े की मिलती है, चावल मिलते हैं, सालन मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये मॉल ना बिल्कुल ही हरम पाक के बिल्कुल साथ ही है और यहाँ से ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। अब इस बंदे को मैं कल की याद है क्योंकि कल का मैंने इसका पिज़्ज़ा वापस कराया था। खैर इसको करता है ओपन, वन पास्ता चिकन अल्फ्रेडो। फाइनली जिक्रिया अपना कसर करवा के आ चुका है, जिक्रिया दिखाओ, दिखाओ ना यार, यार दिखाओ ना उसने बिल्कुल इसकी ऑलमोस्ट फिट कर दिया। ये पकड़ो मैं वहां से वो राइस पता करके आऊं,
मेरा ऑर्डर ये है, ये है। यहाँ से पता करती हूँ, यहाँ से मेरे ख्याल से कबाब के साथ राइस मिलता है। बड़ा अच्छा ही गुजर गया, कबाब भी नहीं खाया यार, देखते हैं। हाँ जी, तो फाइनली रात को हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया था। आते साथ जरा थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो खैर इस वजह से ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी। अभी फिलहाल सुबह के 6 बज रहे हैं और हमने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया, बिकॉज गाड़ी आने वाली है और अब हमने आज रवाना होना है मदीने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हमने अपना उम्रा अदा किया था और आज हम मदीने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो बस ये अब बैग्स वगैरह अपने पकड़ते हैं और नीचे उतारते हैं। चलो भाई, मुंह तो धो लो। ये घड़ी पहनी है अपनी, रूम चेक कर लो एक दफा, रूम में कुछ रह तो नहीं गया। इतना गंद मचा दिया ना रूम में कि जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ है तो नहीं ना, इतना गंद। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग वगैरह टाइम पे हो गई थी और अब निकलते हैं। चलिए अभी अपने लिफ्ट में अटैची वगैरह लोड कर ली है और अब हम जा रहे हैं, है ना। हाँ जी। अब गाड़ी आती है तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल अपने ये जो सूटकेस है इनको बाहर निकालो। हम अपना आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि अभी जो हमारा ड्राइवर है अभी तक हमें नहीं है। सर क्या सीन है, हैं? हुआ क्या तुम्हें? वॉमिटिंग आ रही है। ये हमारा सामान पड़ा है अभी, हमारा ड्राइवर हमें लेने नहीं आया। तो इस व्लॉग का हम तेरी एंड करते हैं हमारा। और आपको कॉल करता हूँ कि रात को जब मैंने धोखे से सैंडविच टेंट कराई है, उन्होंने रात को टेंट क्यों कराई है धोखे से? तुमने कहा था 0 मीटर बाल। मैंने कहा था मैं तुम्हें, उसने 10 रियाल मांगे, मैं कहा मैं तुम्हें 15 रियाल दूंगी इसके बिल्कुल छोटे-छोटे बाल कर दो। इसमें मैंने बहुत छोटे-छोटे बाल कर दिए। इधर ही आज के व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप हमारा चैनल सुन रहे हैं प्लीज लाइक करना और बोलना सब्सक्राइब करना एंड कीप वाचिंग अस फॉर अमेजिंग कंटेंट ओनली ऑन ZS व्लॉग्स।